नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता ब्रह्म बाबा कहते थे लोग इन्हें प्यार से, रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे, कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे। पटना के एम्स में इलाज हो रहा था, उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। अभी अभी ये खबर दिल्ली से आ रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। और इससे भी दुख की बात ये कि रघुवंश प्रसाद सिंह दुखी थे राजद के बर्ताव से, और अभी दो दिन पहले ही उन्होंने अपने हाथों से यह इस्तीफा लिखकर सौंपा था कि वो अब राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा नहीं रहेंगे, लालू के पीछे नहीं खड़े रहेंगे। वो कर्पूरी ठाकुर के वक्त से ही लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, मगर अब और नहीं, ऐसा रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने इस इस्तीफे में लिखा था। हालांकि बदले में लालू यादव का भी जवाब आता है, वो भी कहते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, हम बात करेंगे और आप हमारे साथ ही रहेंगे। खबरें आने लगी थी कभी जदयू से नजदीकी की, कभी उनके बेटे को एनडीए से विधान परिषद भेजने की, और भी चर्चाएं तो यह भी हुई कि उन्हें राज्यसभा तक भेजा जा सकता है, मगर इन तमाम अटकलों पर विराम लगाया गया। और अभी अभी दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि 5 जून 1946 को रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे, और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली दिल्ली एम्स में। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर हम लगातार लाइव हैं और यह लाइव चलता रहेगा। जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका शुक्रिया।